ये एशिया कप में टीम जा रही है, कितने आप मुतमईन हैं इस स्क्वाड से कि क्योंकि एक जैसी कंडीशन होगी हमारी होगी कि बहुत सारे क्रिकेटर्स भी कह चुके हैं, तो वहाँ में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी नंबर चार में देखने टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को? हाँ, अगर देखा देखें, मैंने जैसे पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप एशिया में हो रहा है और एशिया में है और किसी एशिया टीम को ही जीतना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जरूरी ये वर्ल्ड कप जीतेगी, और मैं ये देख रहा हूँ कि टॉप फोर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एशियन टीमें होंगी। पहले साइड मैच एशियन टीमों से ना खेलना कई फैसला दुरुस्त थे जो कि हमको अफगानिस्तान के साथ भी देर हो जाते हैं। देखिए प्रैक्टिस मैच है, मैं मेरे ख्याल से इतना कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रैक्टिस मैच ही है, प्रैक्टिस मैच आप किसी भी टीम से खेलें और कंडीशन एक जैसी होगी सब टीमों के लिए, कि पाकिस्तान जितने ज़्यादा मैचेस खेल लेगा वर्ल्ड कप से पहले उतना पाकिस्तान का एडवांटेज होगा अगर वहीं पे हम ज़्यादा मैचेस खेल लेते हैं। सफरा श्रीलंकन टूर अपकमिंग है तो उसमें वेदर कंडीशन भी होगी, आपको तो पास में एक्सपीरियंस रहा होगा, कितनी ह्यूमिडिटी की वैसे गाड़ियों में दुश्वारी होती है या नॉर्मली सब आप लोग मैनेज कर लेते हैं वहाँ पे? भाई देखें इस वक्त जो कराची में वेदर चल रहा है तो सेम वेदर ही होगा बिल्कुल, और थोड़ा सा फर्क ही होगा, थोड़ा यहाँ गर्मी ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी वाइज अगर मुझे अभी इस वक्त जो वेदर है इस वक्त सेम वेदर है, आई थिंक बहुत अच्छा साइन है कि कैंप भी कराची में लग रहा है तो अच्छा है, लड़के जो है चार पाँच दिन यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे, फिर तीन चार दिन वहाँ भी मौका मिलेगा, एक साइड गेम्स भी है तो मुझे लगता है कि टेस्ट मैच से पहले अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बहस भी चल रही है सोशल मीडिया पे रिजवान और आपके हवाले से, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने लास्ट मैच में 100 दिया था तो बनता आपका खेलना है, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये बातें चल रही हैं कि रिजवान को वाइस कप्तान बना दिया तो वो टीम का हिस्सा होंगे, तो आपके आपसे कोई कम्युनिकेशन हुआ है इस हवाले से कप्तान की तरफ से या टीम मैनेजमेंट की तरफ से? मिकी आर्थर हैं हेड टीम मैनेजमेंट। नहीं यार इस हवाले से तो मुझसे ऐसी बात है कोई बात नहीं होगी, ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर समझेगी कि क्या प्लेइंग 11 बेहतर बन सकती है। आपको पता है कि नेल्सन मंडेला टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका था और उसके ट्रायल्स जो है वो ओपन ट्रायल्स हुए थे, और उसके बाद जो आज का दिन है मैं और फादी यहाँ पर मौजूद हैं, सर भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो आज लास्ट डे है ट्रायल का और हमारी जो सिलेक्शन पैनल है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बनाया है, उसमें सारे जो हमारे टॉप पे कराची के क्रिकेटर्स हैं लाइक शदाब भाई हैं, अहमद सईद हैं, ताहिर खान हैं और मुतसिम रशीद हैं, ऑब्वियसली मुझे उम्मीद करते हैं मुतसिम अली तो ये है कि ऑब्वियसली इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि आपको पता है कि ओपन ट्रायल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं तमाम बच्चों को मैनेज करना, और आज इन्होंने तकरीबन 150-200 लोगों को यहाँ पर बुलाया और फाइनल जो है चार टीमें इंशाल्लाह आज बनाई जाएंगी, तो मुझे उम्मीद है कि जो टैलेंटेड सारे बच्चे होंगे सबको पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी मिली होगी और चार टीमें इंशाल्लाह आज बनेंगी, फाइनल होंगी, और उसके बाद इंशाल्लाह इनके जो मैचेस हैं वो अगस्त के पहले वीक में जो है इंशाल्लाह वो कराई जाएंगे। आप इसको खुद देखेंगे ट्रायल्स आज या कल या बाद में? देखें ट्रायल्स क्या, तो ऑब्वियसली हमने आपको आपने देखा होगा कि ट्रायल्स में हम लोग मौजूद नहीं थे, हमारा जो रोल होगा वो इंशाल्लाह जब हमारी टीम बन जाएगी तो उसके बाद हम बच्चों के साथ जो है यहाँ पर टाइम गुजारेंगे और इंशाल्लाह टूर पर भी साथ जाएंगे, तो कोशिश करेंगे जब हमारी टीम ये फाइनल हो जाए 15-20 लड़कों को जो भी लड़के होंगे तो फिर हम लोग इंशाल्लाह उनके साथ जो है बैठेंगे, फिर जो भी थोड़ा बहुत हमें जो हमने जो थोड़ा बहुत सीखा है वो बच्चों को देने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपीरियंस। भाई नहीं भाई अभी खेलने दे यार। सभी भाई जो है वो इस प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान की तरफ से। नहीं बच्चों के लिए तो कोच ही होंगे। देखें कोशिश करेंगे जैसे मैंने पहले बताया कि देखें जाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं और हम भी इस एज ग्रुप से गुजरे हैं और कोशिश करेंगे जो हमने सीखा है वो इन बच्चों में ट्रांसफर करें। प्रोग्राम के बारे में बताया और दूसरा ये कि टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ श्रीलंका के अगेंस्ट, आपका नाम नहीं है तो समझते हैं एक या दो सीरीज की परफॉर्मेंस की वजह से आपको ड्रॉप कर दिया गया, तो ये ज्यादती है कहीं ना कहीं? यार आज तो मैं इस बात करने के लिए आया हूँ तो आई थिंक उसी पे रहें तो हम लोग ज़्यादा अच्छा, वो किसी और दिन बात करेंगे। और जहाँ तक यहाँ जो ये जो हम जिस ट्रेन प्रोग्राम के लिए आए हैं सब कुछ सरफराज ने आपको बता दिया और होपफुली कि जिस तरह इन्होंने प्रोग्राम बताया वो वैसे चले कंटिन्यू करे और अच्छा एक टैलेंट हमें देखने के लिए मिले।